बाबू जल्दी जल्दी बैठो जल्दी, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। लड़कियों को क्या हटा रहा है तुम? लड़की लोग आप एकदम साइड होके बैठा कीजिए ताकि लड़के भी बैठ जाए, वो भी आदमी है सब, होमोसेपियन। आप और कह सकते बाबू, आपके बगल में अभी तीन आदमी और बैठ जाएगी लड़की लोग, और किसे की इधर गैप गैप है, कोई टोपी रख ले हुआ। जल्दी सब लोग गुड मॉर्निंग स्टार्ट किया जाए राजस्थान को। तू मास्क कितना है, मुंह है छोटा इसका। जय हिंद एजुकेशन वाला कुछ कुछ बोलता है, आधा गुड मॉर्निंग बोलेगा, आधा जय हिंद बोलेगा, आधा राम राम बोलेगा, आधा राधे राधे बोलेगा। सब लोग भाई एक ही बार में आते हैं। अब मेन टॉपिक राजस्थान पे, आपको राजस्थान में बता दिए थे परमाणु परीक्षण किस जगह पर हुए थे, पोखरण फायरिंग रेंज में। कल एक लड़का हमको मैसेज किया कोचिंग के नंबर, सर हम एक जगह किसी संग किसी मीटिंग में गए थे जहाँ पे मतलब सभा हो रहा था, तो वहाँ हमको एक बहुत बड़े आदमी ने बताया कि सर पाकिस्तान को परमाणु जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो खुद APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। यार कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, क्या बताएं। उसको मैसेज कर रहा है कि देखो क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे, पढ़ देगा तो अगले वाला पढ़ सकता है। अब्दुल कलाम ने दिया था, हम कहेंगे भाई वहां का अब्दुल कादिर जो है ना, पाकिस्तान का परमाणु साइंटिस्ट है, फ्रांस से चुरा के लाया था, उसका नाम था अब्दुल कादिर। अब बताओ भाई भारत के अब्दुल कलाम को कोई कहे गदा गलत बात है, इसको ऐसे आदमी को दांते काट के मार देना चाहिए। एक जगह इसे डाइनिंग टेबल पे बिछा दो, बांध दो चारों, आठ दस आदमी को लगा दो, दांते काट लो। चलो ध्यान दे यार। अरे जाके अब्दुल कादिर वहां का जो साइंटिस्ट था वो फ्रांस में जूनियर साइंटिस्ट था, दिमाग का तेज था भाई। देखो किसी भी देश का साइंटिस्ट रहेगा तो नॉर्मली तो दिमाग रहेगा ही, तभी तो साइंटिस्ट बन। तो वो जाता था फ्रांस के न्यूक्लियर पार्ट्स में, देखता था कैसे क्या बन रहा है ना, तो घर आता था तो नोट्स बना लेता था। और फ्रांस के लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये तो ना कुछ लेके आता है ना लेके जाता है, रिकॉर्ड कैसे करेगा। तो भाई दिमाग लेके आता है ना, दिमाग लेके जाता है। और वो भी इतना होशियार था, डेली डेली भेज देता था पाकिस्तान। दो चार दिन का स्टॉप हुआ, भेज दिया पाकिस्तान, बनाओ ना दिया सा, परमाणु बम बना दिया सा वहां पे। खैर दो परमाणु संपन्न देश कभी लड़ाई नहीं करते, और दो देशों के बीच लड़ाई का कारण से कोई दूसरी लड़ाई नहीं हो, मतलब एक लड़ाई दूसरी लड़ाई के लिए निमंत्रण का काम करती। सबको समझ के चलना चाहिए, कोई भी देश आगे गया है तो बहुत वो युद्ध नहीं किया है। जर्मनी को भी देखिए इतना युद्ध किया था, अभी वो भी शांत है। इसको भी समझना चाहिए पाकिस्तान को, बट इसके साथ समस्या कुछ और है। यहाँ तीन लोग का शासन चलता है, सब सिया सुन्नी नहीं जी, आर्मी। यहाँ की आर्मी बहुत हरामी है म्यांमार की तरह, 6-7 बार तख्ता पलट हो चुका है। डिसिप्लिन आर्मी में यहाँ नहीं है, सबसे बड़ा खराब है। मोहम्मद ये जो था आपका पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ सेनापति था, जैसे हमारे नरवड़े साहब कितने तमीज से बात करते हैं, नरवड़े साहब देखते हैं लगता है जैसे गुरु जी हैं, फौजी तो लगते नहीं है। नरवड़े साहब को देखते इधर इज्जत से बात करते, वहां उसने प्रधानमंत्री को हटा दिया। दूसरा यहाँ पॉलिटिकल चलता है, जिसको हम लोग समझते हैं नवाज शरीफ, ये जिनके पास सबसे कम पावर होता है। चौथा परम मौलाना लोग, अपने आप को पैगंबरे समझ जाता है, ये अपने रास्ते पे चलाता है सब, कहता है इस्लाम के रास्ते पे चलो, मौलाना का रास्ता है वो। तो ये लोग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रह जाता है पाकिस्तान में, ये गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इनका मतलब है कि भैया केवल धार्मिक मुद्दे पे बात करेंगे, ये कहते हैं कि भैया हमारा एरिया है हम बंदूकें से बात करेंगे। तो हमेशा बात किस पर होनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों से होना चाहिए, क्यों उन्हें उनकी उन्हें सबको लेकर चलना होता है। हम लोग के पास इन लोग का कोई रोल नहीं होता, जो करेगा लोग भाई हमारा मंत्रालय करेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जगह जिला बोलिए तो गंगानगर, ये बीकानेर, जैसलमेर, ये बाड़मेर, यहाँ पर कौन है पोखरण। पोखरण से जस्ट आप पूरब की ओर देखेंगे आपको मिलेगा जोधपुर, कौन सा जगह है जोधपुर। एशिया का सबसे भयानक वायुसेना का अड्डा कौन सा है जोधपुर, ये एशिया में सबसे बड़ा एयरबेस बना दिया गया यहाँ पे, कहाँ जोधपुर एयरबेस, कौन सा एयरबेस जोधपुर एयरबेस, मिल गया आपको जोधपुर, कौन सा जगह है जोधपुर। आगे बढ़ जाए, जगह का नाम जोधपुर, किसी को कोई दिक्कत है
कहाँ है जोधपुर? हाथ रखिए सब लोग। जोधपुर मिल गया, मेरी और सब लोग देखेंगे लोग। ये जिला बोलिए सब लोग देख के, जैसलमेर। ये पोखरण, ये इससे जस्ट आप इधर देखेंगे अजमेर और पुष्कर, दो जगह मिलेगा। जस्ट पूरा अजमेर और पुष्कर दोनों जगह मिलेंगे। दोनों धार्मिक तीर्थ स्थल है इसलिए वो ब्लू कलर के होंगे। दोनों धार्मिक तीर्थ स्थल इसलिए ब्लू कलर में, अजमेर और पुष्कर। मिल गया जस्ट उसके पूरा दिशा नहीं मिला बाबू, अजमेर तथा पुष्कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। ध्यान से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। उस्मान हारूनी, ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा था। तो उस्मान हारूनी अफगानिस्तान के थे, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। तो उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य आगे थे, मतलब बहुत ज्यादा इनके शिष्य बहुत ज्यादा थे। इन्हीं में एक शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, ये इन्हीं के क्या थे, शिष्य थे। इनमें बाबा फरीद भी इन्हीं के शिष्य थे, या बख्तियार काकी भी इन्हीं के शिष्य थे, जिनके याद में कुतुब मीनार बनाया गया है। तो इनके उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके शिष्य बख्तियार काकी, उनके शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद के आगे शिष्य जाएंगे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ये लोग किसके शिष्य थे? यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस्लाम धर्म में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो इन्होंने ये जो संप्रदाय बताया, उन्होंने बताया चिश्ती संप्रदाय। कहलाते मुसलमान ही हैं, लेकिन जो चिश्ती धर्म को मानते हैं वो लोग संगीत में भी विश्वास रखते हैं। ये ऐसा है कि तो इस्लाम में संगीत पर बैन है, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के लोग मतलब इज्जत वाला संगीत सुनते हैं, कव्वाली जिसको बोलते हैं, नाच गाना नहीं होता है, जैसे भक्ति वाला वाला चीज। तो ये लोग, और ये लोग ना कट्टरवादी नहीं होते। चिश्ती संप्रदाय में सबसे बड़ी बात क्या चाहिए, ये लोग कट्टरवादी नहीं होते। कट्टरवादी का मतलब समझते हैं? हम ही हैं तो सब हम ही हैं, मतलब बात कहने का सेंस कि भाई आप किसी भी धर्म के, मान के चलिए हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, अपने वाले भी इज्जत करेंगे। कोई मंदिर गया तो क्या कोई कचर के चल जाएंगे? नहीं, वहां पे भी ये तो श्रद्धा से आप नहीं पूजा करना है मत कीजिए, कम से कम इज्जत देने में क्या जाता है, मत कि आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है, नहीं इज्जत। तो ये लोग कट्टरवादी नहीं होते, इन्हें कि तोड़ दो फाड़ दो ये वाला काम यहाँ नहीं होता। ये लोग चिश्ती संप्रदाय कहाँ से आते हैं? अजमेर से। उसी अजमेर के पास आपको मिलेगा पुष्कर, थोड़ी दूरी पर है, वहां पे 25-30 किलोमीटर के। पूरी दुनिया में एकमात्र जगह है पुष्कर जहां पे किसकी मूर्ति है? ब्रह्मा जी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, मतलब नॉर्मल छोटा सा मंदिर है, और श्रापित मंदिर है, क्योंकि ब्रह्मा जी मतलब सरस्वती जी से क्या किया था, उन्होंने विवाह किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा श्राप वगैरह लग गया। तो ब्रह्मा जी की जो मंदिर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, श्रापित मंदिर है। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी धार्मिक चीज आपको पंडित जी आपको अच्छा से समझा देंगे, लेकिन वो मंदिर श्रापित मंदिर है। तो पुष्कर के पास एक झील है, पुष्कर झील। तो जब जाएंगे ना तो पुष्कर झील में आदमी को स्नान उस्नान करना पड़ता है, फिर मंदिर में जाता है, निकलने के बाद भी करता है। छोटी सी मंदिर है। अभी लॉकडाउन के बीच में हम गए थे तो वहां टेक्नोलॉजी देखें, लॉकडाउन में कोरोना चल रहा था। अब मान के चलिए से घंटी बजाएंगे तो फिर टच करना मना था, इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया था लोगों, वहां पे घंटी के आगे खड़े होंगे ना तो वहां पे सेंसर लगा हुआ था, जब कोई आगे खड़ा रहेगा तो अपने से घंटी बज जाएगा। बहुत बेहतरीन व्यवस्था था वहां पे। तो जैसे जैसे लॉकडाउन आया आदमी ठीक ठाक से, भाई नहीं तो बीमारी फैल जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, भाई पूजा भी हो रहा है आपका, घंटी भी बज जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी यूज हो जा रहा है। छोटा सा मंदिर, बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल मंदिर है वहां पे। लेकिन हाँ, अहमियत इसलिए है कि पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। आगे बढ़ जाए, पुष्कर में मेला भी लगता है। किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। कौन सा है? ऊंट के लिए। कार्तिक वगैरह के समय मेला वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है, पुष्कर मेला। आगे बढ़ जाए, पुष्कर मिल गया। कहाँ है पुष्कर? हाथ रखियो। अजमेर भैया गए वहां, अजमेर से ठीक नीचे हचाक से नीचे जाइए उदयपुर, हचाक से नीचे बढ़िए। कौन सा जगह? उदयपुर। नहीं मिला? कौन जगह है? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। हटाक एकदम सीधे नीचे आइए, चित्तौड़गढ़ मिलेगा, एकदम सीधा नीचे बिना मुड़े चित्तौड़गढ़ मिल गया, सीधा नीचे। कौन सा जगह है? चित्तौड़गढ़। सीधा नीचे, मेरी ओर देखिए सब लोग, मेरी ओर देखो भाई, मेरी ओर सब लोग देखिए, थोड़ा ध्यान लाइव पर भी दे, लाइव वालों को तो चिल्ला रहे हैं बाबू, सब लोग ध्यान से देखो। ये जगह कौन सा है? अजमेर। और यही है पुष्कर, उससे ठीक नीचे हचाक से कौन सा मिलेगा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के पश्चिम दिशा में उदयपुर, ठीक नीचे कौन जगह है? चित्तौड़गढ़। मिल गया चित्तौड़गढ़, उसके बगल में
उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के बगल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के बगल में उदय, उदयपुर में झील, प्रसिद्ध झील, उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध झील कितने लोग बता सकते हैं? पिछौला झील बहुत प्रसिद्ध झील है, ये उदयपुर, ये जगह मिली आपको उदयपुर। यहाँ आते हैं चित्तौड़गढ़, कौन सा जगह है चित्तौड़गढ़, यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ की रानी कौन थी? पद्मावती। चित्तौड़गढ़ की राजधानी पद्मावती, कौन सा जगह? पद्मावती। कहाँ की रहने वाली थी? चित्तौड़गढ़ की। इसके लिए बड़ी लड़ाई थी, हालांकि ये मलिक मोहम्मद जायसी एक राइटर थे, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने फिक्शन किताब लिखा था। फिक्शन का मतलब होता है एक अपनी काल्पनिक कहानी, फिक्शन। उन्होंने किताब से पहले ही लिख दिया कि ये क्या है, पद्मावती की कहानी क्या है, फिक्शन है। तो फिक्शन का मतलब अपनी विचार को 100% इसका प्रमाण, एकदम एक्यूरेट 100% मतलब उतना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्रमाण है। राजा रतन सिंह का प्रमाण है, पद्मावती का प्रमाण, लेकिन जिस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है वो फिक्शन की कहानी थी। इसके बाद एक मूवी भी आई थी पद्मावती, जिसपे करणी सेना जो राजस्थान की है, बहुत अच्छा खासा हंगामा भी हुआ था, हालांकि शायद उसमें कुछ मूवी के पार्ट्स कट किए गए थे। उसके बाद जो मूवी हम लोग को दिखाई गई वो मूवी में कोई गड़बड़ नहीं थी, हालांकि उसमें भारतीयों की वीरता ही दिखाई गई है, वरना छल कपट नहीं हुआ रहता तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाता। तो ये चित्तौड़गढ़, रानी कौन थी? पद्मावती। जगह याद रहेगा ये बोलिए तो, उदयपुर। कौन जगह है? उदयपुर। ये बताइए, जैसलमेर। लाइव वाले सारे लोग बताएंगे ये कौन जगह है, ये कौन सा है, ये जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, अजमेर और पुष्कर। कौन जगह है? अजमेर और पुष्कर। ये जगह कौन सा है? ये चित्तौड़गढ़। अब ये जगह बोलिए, अजमेर से आप इस साइड में देखेंगे तो कोटा मिलेगा, थोड़ा सा तिरछा नीचे की ओर, एकदम ठीक बगल में नहीं मिला, कोटा कोना में साइड में चला जाए। आप एक चित्तौड़गढ़ से देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहाँ से इधर देखिए, ये जगह कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से इधर जाके देखिए कोटा, चित्तौड़गढ़ से इस साइड में कोटा, कौन सा जगह है? कोटा। चित्तौड़गढ़ से इस साइड में पूरा में, मेरी ओर देखो, कोई कहाँ ये छोड़ा, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे कौन जगह? चित्तौड़गढ़। इसके ठीक इधर अचाक से इधर आओगे कौन सा मिलेगा? कोटा। लाइव वाले सब लोग देखिए कौन सा जगह है? कोटा। हो गया, कौन सा जगह है? कोटा। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन है? कोटा। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बंसल सर ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया, यहाँ पे चित्तौड़ कोटा को तो एजुकेशन हब बनाने में उनका बहुत योगदान है, हालांकि वो पैरालिसिस के शिकार, मतलब वो लोग चल फिर उतना अच्छा से नहीं पाते, हालांकि बंसल क्लासेस शुरू हुआ, फिर उसके बाद इतनी कोचिंग भर गई कोटा में कि कोटा के लोग खाना पीना भी, वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान किसका है? कोटा के स्टूडेंट सबका होता है। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत आया था, एक समस्या भी सुने होंगे, स्टूडेंट वगैरह वहाँ पे फंस गए थे। तो ये जगह कौन सा हो गया? कोटा। ये चित्तौड़। कोटा किस नदी के किनारे है? आप देखिए, ओम बिरला वहां के सांसद है, हाँ वेरी गुड। कौन नदी है? अगल बगल में देखो ना, चंबल, और उसके नीचे आ रही होगी काली सिंध, उसके नीचे कौन सी नदी आ रही है? काली सिंध। चंबल नदी के किनारे है। कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल के किनारे है, और उसी चंबल में आके मिलती कौन है? काली सिंध। लेकिन कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल। कोटा में एक परमाणु बिजली घर है, नाम बता सकते हैं परमाणु बिजली घर का? हाँ, रावत भाटा। कोटा परमाणु बिजली घर का नाम क्या? रावत भाटा। कहाँ है भैया कोटा? पहुंचिए, पहुंच गए कोटा। कोटा के ठीक ऊपर देखिए सीआर बना होगा, सरीसिका लिखा हो, सीआर बनाएगी बाघ बनाए जी, हाँ बाघ बना है, बना है, क्या लिखा हुआ है? रणथंभौर। क्या लिखा हुआ है? रणथंभौर। क्या लिखा है? रणथंभौर। रणथंभौर जीव मंडल रिजर्व कहाँ है? कोटा में है, सॉरी राजस्थान में। कहाँ पर है? कहाँ जी? राजस्थान। पढ़ो जाओ, जल्दी रखो आप। अरे बाघ जहाँ देखा था तुम, रणथंभौर नहीं दिख रहा है, इसको सियाद नहीं दिख रहा है, दिख गया हो गया कि नहीं हो गया? उसके ऊपर जयपुर, वहीं पे पास में लिखा होगा जयपुर, मिल गया जयपुर। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर, हवा महल जयपुर, जयपुर यहाँ पर। ये जगह कौन सा हो गया? जयपुर। जयपुर के पास वहीं सट के आमेर मिलेगा, जयपुर के पास एकदम सट के आमेर,
जयपुर आमेर एक ही पास है, जिस तरह पुष्कर और अजमेर एक पास है ना, पुष्कर और अजमेर कैसा है एक पास है, वैसे ही जयपुर और आमेर है। जयपुर और आमेर, आमेर की रानी जो प्रसिद्ध थी क्या नाम था, जोधाबाई, कहाँ की थी, आमेर की। वंश का नाम था कछवाहा, वंश का नाम कछवाहा, कछवाहा वंश था उनका, राजा भारमल उनके पिताजी। अकबर, देखिए इतिहास में दो ऐसे राजा हुए सब ना जिन्होंने इतिहास को पलट डाला। प्राचीन काल में देखेंगे तो अशोक, अशोक महान उतना नहीं था, बट उसके साथ एक घटना हुई, कलिंग, कलिंग के बाद अशोक से अशोक महान बन गया। उसी तरह अकबर था, अकबर भी उतना महान वान नहीं था, अपन नाम ना लिखना जानता था, बहुरा मतलब पढ़ा लिखा, किताबी नॉलेज कोई जरूरी नहीं कि किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा हो, आपके पास अनुभव ही होना चाहिए। यहाँ पर उसकी शादी हुई किससे, जोधाबाई से। जोधाबाई ने उसको धीरे धीरे समझा समझा के उसके अंदर इस ला दिया कि भाई आप ऐसा कानून मत बनाओ कि हिंदू के लिए उसका प्रभाव हो, मुसलमान को उससे फायदा हो, जैसे जजिया कर लगाना, तीर्थ यात्रा पर कर लगा देना, ये सब चीजों पे जो पहले टैक्स लगे थे उनको किसके कहने पर हटाया था अकबर ने, जोधाबाई। तो जोधाबाई कहाँ के रहने वाली थी, कहाँ की, आमेर, किस वंश की, कछवाहा, पिता का नाम भारमल। आमेर कहाँ पर है, जयपुर के पास, आमेर कहाँ पर है, जयपुर के पास, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, जयपुर के पास, मेरी ओर देखिए, ये जगह कौन सा है, जयपुर, कौन सा जगह है, जयपुर से इधर की ओर आप देखेंगे, जयपुर से पश्चिम दिशा में, जयपुर से पश्चिम दिशा मकराना, जयपुर से पश्चिम दिशा में मकराना मिला, जयपुर से पश्चिम दिशा में मकराना, किसी को दिक्कत, जयपुर से पश्चिम दिशा में मकराना, सब लोग ध्यान से देखिए, आगे बढ़े, कौन सा जगह है, मकराना, आमेर के आगे जगह मकराना, मकराना किस लिए फेमस है, ताजमहल के लिए, पत्थर के लिए, ताजमहल आगरा में, ताज आगरा का, हाँ ठीक है, सही है, ताजमहल में जो पत्थर लगे हैं संगमरमर, बेदाग संगमरमर के पत्थर, वो कहाँ से आए, मकराना, कहाँ से आए, मकराना से आए, किसी कोई दिक्कत नहीं, मकराना, मकराना का जो पत्थर होता है बेदाग संगमरमर होता है, एकदम व्हाइट कलर का। क्वेश्चन आएगा, भारत में पहला बेदाग संगमरमर से बनने वाली इमारत कौन थी, एतमादुद्दौला का मकबरा, कौन था, एतमादुद्दौला का मकबरा, ये कौन है, अब एतमादुद्दौला नूरजहां के बाऊजी, ठीक है, तो उन्होंने अपने बाऊजी के लिए क्या बनवाया था, एतमादुद्दौला का मकबरा, यहाँ पे असमत बेगम मम्मी का नाम था, ये पूरे मुगल काल में सबसे होशियार महिला कौन थी, नूरजहां, कौन थी, नूरजहां, जहांगीरे को फंसा ली, सीधे एकदम हेडक्वार्टर है उठा ले जाओ, जहांगीर को क्या कर ली थी, फंसा ली, जहांगीर उसी के हिसाब से काम करते थे ना, हाँ हाँ हाँ, महिला अगर सुंदर रहती है ना तो पुरुष को कुत्ता बना देती है उसके पीछे एकदम नूरजहां एकदम जहांगीर को एकदम पगला दी थी, वहां फंस गई उससे, शाहजहां, शाहजहां नूरजहां को देखना नहीं चाहता था, कोई भी बेटा अपने बाप मतलब मान के चलो दूसर ब्याह कर लेगा तो देखना चाहेगा उसको, नहीं देखना चाहता, तो जहांगीर देखी थी कि भैया नूरजहां बहुत होशियार थी, देखती थी कि जहांगीर अभी राजा है लेकिन आने वाले वक्त में जहांगीर का बेटा शाहजहां राजा बनेगा, हम तो गलत आदमी को फंसा लिए किसको फंसाने लायक था शाहजहां को फंसाने लायक था, तो दिमाग लगा अब क्या करें, बदल देगा छोट मोट लड़का रहता तो बदलिए देते, मरवा देगा इतने तो उसने क्या किया ना, अपनी भतीजी को बुलाई, नूरजहां ने किसको बुलाई, अपनी भतीजी, नाम था मुमताज, कहा कि ते फंसा लेकर वो फंसा ली किसको शाहजहां, बाप बेटा दोनों फंस गया इतिहास से कुछ सीखो चलो लाइव वाला समझ रहे हैं लोग चलिए ध्यान से समझते हैं, आप लड़की लोग को समझ में आता है, हम इतिहास की ये सब सच्ची घटना है, वो अलग बात है कि जिस तरह से हुई थी हम उसी तरह से समझा देते हैं, उसमें कोई लंग लपेट नहीं कि एक तो शिक्षा की मर्यादा
भैया जो हक जो सही बात है हकीकत बात है, इसमें मर्यादा कहां से घुस गया बीच में? सही है हाँ? तो मर्यादा का मतलब गधा को क्या कहेंगे? गधा की मर्यादा में कहेंगे भूरा रंग का जीव चार पैरों पे खड़ा हुआ है, ये कौन सी मर्यादा मतलब होता है? अरे गधा है गधा बोलो ना उसको, फसल थी बोलो फसल थी, क्या गलत बोल रहे हैं? तो यहां बताइए मकराना किस लिए फेमस है भाई? संगमरमर के लिए, बेदाग संगमरमर के लिए। इसीलिए हम कहे देखिए पहले कौन फंसाई थी? नूरजहां। तो पहला इमारत कौन बनवाई? नूरजहां। इतना तो दौला का मग। उसके बाद कौन फंसाया? शाहजहां। तब क्या बना? कुल पत्थर ससुरा अपने में खर्चा कर दिया सर। बहुत बहुत पत्थर खर्चा हुआ आपने, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन मेन जगह हो गया। अब हम आपसे जगह बोलते हैं, आप एक बार में पहुंचिए जैसलमेर। कहाँ है जैसलमेर? याद रखिए जैसलमेर, जयपुर। फटाफट एक बार में जहां बोलते हैं वहां पहुंचिए, लाइव वाले सब लोग जयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। नहीं मिला कोटा? कोटा मिल गया। अजमेर, कहाँ जी अजमेर? ठीक है पुष्कर के बाद अजमेर। मकराना कहाँ है? मकराना मिल गया। जयपुर, जयपुर अजमेर के बीच में देखेंगे आपको मिलेगा भरतपुर। भरतपुर देखिए तो नहीं मिला, एकदम साइड में होगा, उसको छोड़ दीजिए। भरतपुर उतना नहीं आ जाइए, आज एकदम साइड में होगा, छोड़ दीजिए उसे कोई जरूरी नहीं। नागौर, आज नागौर कह रहे हैं। मकराना आ गया, मकराना सफेद संगमरमर के लिए। मकराना, मकराना के आगे देखिए नागौर, मकराना के थोड़ा सा आगे कौन सा जगह है? नागौर। थोड़ा सा देखिए नागौर मिला, कहाँ है जी नागौर? थोड़ा सा बगल में देखिए नागौर, नहीं मिला, हल्का सा बगल में होगा, कौन सा जगह है? नागौर ठीक सामने है उसके, ऐसे देखिए ना सामने, इसे देखिए यहाँ मकराना है ना, मकराना के सामने देखेंगे नागौर, कौन जगह है? नाग सामने, इसे देखिए ना नागौर, नहीं मिला। ये जगह बोलिए जयपुर और आमेर, इसके सामने मकराना, उसके सामने नागौर, कौन? किसी को नहीं मिला नागौर? पता ही, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? नागौर में। पंचायत पहली बार लागू हुआ था नागौर, पहली बार पंचायत को लागू किया गया नागौर, राजस्थान के नागौर में। किसी कोई दिक्कत नहीं है जगह? अब हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल, बताइए ये पर्वत कौन सा होगा, ये नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी है? मरुस्थल, थार मरुस्थल, मरुस्थल थार। चलो भैया यहाँ देखो जयपुर, ये जयपुर के बगल में मकराना, इसके बगल में यहाँ दो ठो शहर बोलिए तो अजमेर और पुष्कर, ये जगह चित्तौड़, ये उदयपुर, यहाँ पर कोटा, ये पोखरण, जोधपुर, कौन सा है? जोधपुर, बाड़ी, गंगानगर, कौन जगह है? गंगानगर। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े, यहीं पे ना एक तो श्याम रंगीला है, पेट्रोल का वीडियो बना दिया था। भाइयों बहनों मैंने पेट्रोल का, मोदी जी को पेट्रोल के दाम, तो यहाँ पे उसके ऊपर कुछ केस कर दिया था। बोलो, रेगिस्तान और मरुस्थल में वही अंतर है जो पानी और जल में। पानी उर्दू भाषा है, हम बैठिए बैठिए समझा देते हैं, सब लोग ध्यान से समझो। बहु हम लोग जो बोलचाल में भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें 60% उर्दू यूज करते हैं, भले हमें लिखने उर्दू नहीं आए, पढ़ने उर्दू नहीं आए, बट बोलने हमें उर्दू हिंदी से ज्यादा यूज कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी फेमिलियर भाषा है। ठीक है, जैसे पानी उर्दू है, जल हिंदी है, कपड़ा उर्दू है, वस्त्र हिंदी है, नहाना उर्दू है, स्नान हिंदी है, खाना उर्दू है, भोजन हिंदी है, रेगिस्तान उर्दू है, मरुस्थल हिंदी है, समझे? इंसान उर्दू है, मानव हिंदी है,
आप बोलिए मानो। दोनों में कुछ बोल दो यार, बालू वाले को बोलते हैं रेगिस्तान और बर्फ जा रहा था उसको मरुस्थल। नहीं बैठ जा, एक ही चीज होता है मरुस्थल, उस जगह को बोलते हैं जहां पर कोई चीज उगता नहीं है, वो चीज उगता उगते नहीं है। दुखा बोल रहा है, चलो भाषा का अंतर है बाबू और कुछ नहीं है। उर्दू और इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में थोड़ा सा क्या हो जाता है, लगभग लगभग बराबर ही हो जाता है। इंग्लिश में भी दिक्कत हो जाता होगा, अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में सेल फोन ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल फोन, अमेरिकन इंग्लिश में शेड्यूल ब्रिटिश इंग्लिश में टाइम टेबल, अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट, अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट। पतिया तो बराबर है, ये सब आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश के मास्टर लोग। ये राजस्थान समझ में आ गया, पूछेंगे तो क्वेश्चन बता ही सकते हैं। राजस्थान की किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, कौन कौन जिला से, गंगानगर जैसलमेर बाड़मेर। अब राजस्थान में कुछ नदियां बच गई, पहाड़ चोटी वगैरह बच गए सब। अब आप राजस्थान का फिजिकल नक्शा खोलेंगे और उसमें थार मरुस्थल देखेंगे और इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान का फिजिकल नक्शा देखेंगे, इस साइड में थार मरुस्थल होगा, उसमें इंदिरा गांधी नहर होगी। सब लोग फिजिकल नक्शा खोलिए, थार मरुस्थल देखिए, थार मरुस्थल खोल दिए, थार मरुस्थल कहाँ है, थार मरुस्थल एकदम साइड में होगा, कौन जगह है थार, मिल गया थार मरुस्थल, उसके ऊपर नहर आ रही है, नहर देखिए ना इस तरह डॉट 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 करके लाएगा, कौन सा नहर है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज के पास बनाया गया था, कौन सा, हरिके बैराज, हरिके बैराज के आगे बढ़े, कौन सा जगह है, फिजिकल नक्शा मिल गया, अरावली पर्वत देखिए, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत बीच में पूरा अरावली पर्वत मिल गया, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अराव। अब इस अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, तो ऊंची चोटी का मतलब उसका कलर भी ब्राउन होगा एकदम चटकार। तो आपने से देखिए अरावली पर्वत सबसे चटकार कहां है, जहां सबसे चटकार होगा एकदम डार्क ब्राउन, वहां पर होगा सबसे ऊंची चोटी। खोजिए सबसे ऊंची चोटी मिला, सबसे माउंट आबू लिखा होगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर नहीं मिला, सबसे ज्यादा ब्राउन कहां है जी, गुरु शिखर ये नहीं लिख रहा है, गुरु शिखर, गुरु शिखर नहीं मिला, सबसे डार्क कलर से वहीं लिख दिया होगा गुरु शिखर, इस साइड में लिखा होगा, ठीक है, सबसे डार्क में वहीं लिख दिया होगा साइड में गुरु शिखर। माउंट आबू पर्वत या गुरु शिखर, यहां पर एक जैन मंदिर है, क्या नाम है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन सनसेट पॉइंट किसे कहते हैं, सनसेट पॉइंट कहां है, माउंट आबू, वहां से सूरज डूबता हुआ दिखता है। रीजन क्या, आगे मरुस्थल है, कोई घर बिल्डिंग है ही नहीं है, सूरज डूबेगा तो आपको क्या होता है, दिखाई पड़ता है डूबता हुआ सूरज, सनसेट पॉइंट। तो ये राजस्थान हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए पॉलिटिकल नक्शा में गुजरात देखते हैं, गुजरात आगे, गुजरात, गुजरात भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हो गया, किसी कोई दिक्कत, ये जगह कौन सा है भैया, गुजरात, गुजरात का ये ऊपरी एरिया देखिए, ये इसे कहते हैं कच्छ, सब लोग ध्यान से देखा, इसे क्या कहते हैं, कच्छ, इसे कच्छ कहते हैं। इसमें दो चीज समझिए, कच्छ एक मरुस्थली एरिया है, कैसा मरुस्थल, वहां कोई चीज उगता ही नहीं है। कच्छ में एक जानवर पाया जाता है, जंगली गधे है, साइज में ससुरा घोड़ा के बराबर होता है, साइज में किसके बराबर होता है, घोड़ा बराबर, जंगली गधे साइज में किसके बराबर होते हैं, घोड़ा, जिस चीज के आगे जंगली लग जाएगा समझिएगा मजबूत और साइज में थोड़ा बड़ा होगा, जैसे सांड के आगे जंगली सांड बहुत मजबूत होगा, सुअर के आगे जंगली सुअर बहुत मजबूत हो जाएगा। तो हर चीज जंगली लगने का मतलब क्या हो जाता है, मजबूत और बड़ा साइज का हो जाता है और असभ्य हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे। आप में कोई कच्छ का है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं
ये कच्छ का रण हो गया। रण मतलब होता है मरुस्थल, संस्कृत भाषा में रण का मतलब क्या होता है मरुस्थल, रण का मतलब क्या होता है मरुस्थल। तो कच्छ का रण क्या है मरुस्थल है, कच्छ का रण क्या है मरुस्थल है। ये मरुस्थल आमतौर पर समुद्र के किनारे जितने मरुस्थल होते हैं वो साल्ट यानी नमक पाया जाता है, लवण। नमक को क्या कहा जाता है लवण, साल्ट यानी नमक पाया जाता है। तो जो कच्छ का रण है ये कच्छ के रण वाला एरिया। जंगली यहाँ भूकंप वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं? कच्छ के, कच्छ का मुख्यालय कहाँ है भुज, जिला मुख्यालय भुज, सबसे बड़ा जिला है ये, इधर हो जाए। ये कौन सा जगह है भुज, भुज बहुत ही भयानक भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ भूकंप आया 2001 में, आने का डेट देखिए ससुरा 26 जनवरी, और कोई एक दिन नहीं मिल रहा था वो 9:15 बजे, मतलब झंडा फहराने के समय जब भूकंप आ गया बताइए क्या रहा है सर, झंडा फहराने आया होगा 9 बजे आया। अब मारा भयानक का, इतना भयानक भूकंप था, 7 से 8 के बीच में इसकी तीव्रता थी, इतनी भीषण भूकंप। जबकि एक हफ्ता पहले पटना में भी भूकंप आया था, हम लोग क्लासे में थे लोग यहाँ पे, यहाँ आप लोग ने शाम के टाइम था, 7-8 बज रहा था, यहाँ कुछ थोड़ा सा धक धक हुआ, हमको लगा कहीं पंखा उनका हिल रहा होगा। सब स्टाफ बोला सर लग रहा है भूकंप आया, हम कहे आया आने दो यहाँ पे, यहीं बैठे रहो यहाँ पे, लेकिन ज्यादा देर रुका नहीं। यहाँ पे जो तबाही मचाया था कच्छ के रण में, भीषण तबाही मचा दिया, बहुत लोग की जान गई। स्वतंत्र भारत में इधर बहुत ही भीषण भूकंप आया था कच्छ के रण में, ये डेट पूछा हुआ है, कच्छ के रण में भूकंप कब आया था 26 जनवरी 2001, कच्छ के रण में 26 जनवरी 2001। बाकी कच्छ में कुछ खास एरिया नहीं है, लेकिन एक विवाद चालू हो गया। विवाद ये चालू हुआ कि कच्छ का रण जो है यहाँ पर इस साइड में, अगर आप देखेंगे कच्छ के रण में इस साइड, तो ऐसा लग रहा है कि भारत का नक्शा को किसी ने केक समझ के काट दिया है। कोनवा में देखिए ना, एकदम ऐसा लग रहा है जिसे चाकू से काटा है, दिख रहा है, लग रहा है ना चाकू से कटले कोनवा में, कहाँ देख रहे हो कहाँ है, हाँ एकदम कोना वाला साइड में देखिए, एकदम कोना वाला, एकदम कोना वाले साइड में देखेंगे लग रहा है कच्छ को किसी ने कैसे काटा है, चाकू से काटा, वहां लिखा होगा सर क्रीक, नीचे देखे सर सोता या सर क्रीक, सर सोता, इंग्लिश में लिखते हैं उसे सर क्रीक, सर सोता, सर क्रीक को क्या कहते हैं सर सोता, सर क्रीक को क्या कहा जाता है सर सोता, किसी को दिक्कत सर क्रीक। अब वहां भारत का, भारत को देखेंगे लगता है किसी ने कैसे काटा है, चाकू से काटा है, ऐसा क्यों चाकू से काट दिया। देखिए पाकिस्तान जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया, केस किया कि ये कच्छ का रण जो है ना इसका विभाजन ठीक से नहीं हुआ है, यहां तक मेरा है, और उसका लॉजिक बहुत ठोस था। लॉजिक ये है कि अगर दो देशों का विभाजन होता है तो दो देशों के विभाजन के बीच में अगर कोई जलीय यानी पानी वाला एरिया आ जाएगा, जैसे झील नदी तालाब पोखर, तो उसका बराबर विभाजन होगा, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो उसका विभाजन कैसे होगा बराबर। अब कच्छ का रण ससुरा मरुस्थली क्षेत्र है, यहाँ पानी भर जाता है, क्या हो जाता है पानी भर जाता है, तो पाकिस्तान कहा कि जलीय क्षेत्र हो जाएगा, आधा मेरा होना चाहिए आधा इनका होना चाहिए। अब भारत फंस गया दुविधा में, इंटरनेशनल कोर्ट में गया, तो यहाँ पर पानी लगा रहता है साल के 8 से 10 महीने, 10 महीना क्या लगा रहता है पानी लगा रहता है इसमें। तो जज साहब से भारतीय वकील ने कहा कि जज साहब ही बताइए जलीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जज साहब ने कहा कि जहाँ वर्ष भर पानी रहता है उसे जलीय क्षेत्र कहते हैं। तो वकील साहब ने कहा कि 10 महीना पानी रहता है, जलीय क्षेत्र कहाँ से कह देंगे हम, अब पूरा लबालब पानी नहीं रहता, वो घुटना तक रहता, कीचड़ नहीं हो रहा था उस टाइप का, तो कहलाएगा तो जलीय क्षेत्र कहलाएगा। देखिए 2 महीना से बच गया लेकिन पाकिस्तान लगा इधर उधर हल्ला करने, नहीं हमारा है ये है वो है, तो भारत सरकार ने देखा कि बहुत काम कुछ करेगा, तो देखा कि जहां ज्यादा पानी रहता है ना वहां पे तनसाई से काट के दे दिया, ले आदमी खाना वाना खाता है तो कुत्ता नहीं लड़वाई रहता है सर, दे देता है ले खा लो, वही तनसा काट के दे दिया इसे, ले ले वही में नहा लियो, पानी पानी चिल्लाता, समझ में गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है आगे बढ़े। तो कच्छ का रण का जो सरक्रीक वाला एरिया पाकिस्तान को दे दिया, अब पाकिस्तान चोटा उसके बाद भी उबाज नहीं आया, उसको अजुराने का मन है,
आज जाने का मन क्या कर रहा है, जो नीचवा लटकल है ना एक दे दीजिए ना, तन से जो नीचे ठोट टाइप का लटकल है वो ठोड़ो दे दीजिए हमको सर क्रीक। अब भारत देगा भला वो नहीं देगा, क्योंकि यहां से ना हमको आगे बढ़ने का रीच मिल जाता है, पहुंच मिल जाता है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची यही है, कराची यही है। वो भारत को यहां से पीछे ढकेलना चाहता है क्योंकि डरता है कि कहीं जो कुछ होगा तो कराची जो खत्म हो जाएगा, कराची को माचिस समझ के जला देगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो भारत का अभी इसके साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मेरा है, इंटरनेशनल कोर्ट ने इस मामले को शट डाउन कर दिया है, काम खत्म है। तो ये जगह कौन सा भैया, सर क्रीक। कौन जगह है, सर क्रीक। सर किसे कहते हैं, सर क्रीक, क्रीक किसे कहते हैं, देखिए क्रीक वैसे पानी को कहते हैं जो जमीन के अंदर अंदर घुस जाता है। वहां देखिये पानी अंदर घुस गया होगा, तो जब बहुत ही पतले आकार में पानी जमीन के अंदर घुस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सोता या क्रीक, सोता या क्रीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रीक। हिंदी में क्या कहते हैं, सोता। तो उसे क्या कहते हैं, सर सोता। क्या कहते हैं, सर सोता। देखिए सर सोता मिला, पानी अंदर घुसा है कि नहीं घुसा, घुस गया। अब मेरी ओर देखा, ये पूरा एरिया क्या है, कच्छ। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, भुज। 26 जनवरी 2001 को क्या आ गया, भूकंप। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल। सर क्रीक किसे पाकिस्तान क्या कहता है, विवादित कहता है, हालांकि हमने उसको उसका हिस्सा तनिसा दे दिया है। सर क्रीक का ये एरिया किस जानवर, सॉरी कच्छ का एरिया किस जानवर के लिए पर, जंगली गधा। इस कच्छ का अंदर नीचे जो खाड़ी होगी उसे हम क्या कहेंगे, कच्छ की खाड़ी। आप देखिए अंदर में हो गई ये खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। देखिए ध्यान से, अंदर में कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ के अंदर कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। नहीं मिला, कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। बंगाल के नीचे की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। फारस के नीचे की खाड़ी, फारस की खाड़ी। कच्छ के नीचे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। पटना के नीचे खाड़ी रहता तो पटना की खाड़ी, पटना की खाड़ी हो जाता। तो वैसे ही ये खाड़ी कौन सा है, कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी बहुत सुरक्षित है। रीजन क्या है, इसमें सुनामी वगैरह नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ मुंबई मुंबई में आ सकता है क्योंकि एकदम फ्रंट पे है सब, वो फ्रंट पे थोड़ी है, अंदर की ओर है थोड़ा सा। इस वजह से यहाँ पर आप बताइए, यहाँ बंदरगाह बनाना ज्यादा सुरक्षित है कि यहाँ पर, एक नंबर पे कि दो नंबर पे, दो नंबर पे। किसमें, दो नंबर पे। तो दो नंबर पे सोचा गया बंदरगाह बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इस एरिया का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो कराची था, क्योंकि यहाँ का सारा सामान कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, कराची पर। विभाजन के बाद कराची बंदरगाह कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। तो भारत को ये एरिया में एक बंदरगाह की कमी होने लगी, सीपोर्ट की कमी होने लगी बंदरगाह को, समझा गया। तो यहाँ भारत सरकार ने सोचा कहाँ डेवलप किया जाए, तो इस कोनवा में डेवलप किया गया बंदरगाह, नाम है इसका कांडला बंदरगाह। देखिए तो कोनवा में लिखा कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह कौन हो गया है, कांडला, कांडला बंदरगाह। कौन से नेता ने बोला था सर, कौन नेता, पता नहीं कौन नेता होंगे उस समय, आज का नहीं है बाबू, बहुत पहले मोरारजी देसाई के समय का था ये सब। तो ये वाला बंदरगाह का नाम क्या है, कांडला। अब मोदी जी आए गुजरात के मुख्यमंत्री बन के, बाद में प्रधानमंत्री बन गए, तो ये लोग गुजरात को बहुत डेवलप किया लोग, नो डाउट। गुजरात में बहुत ही डेवलपमेंट, चाहे स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, रेल लाइन हो, हर चीज को। अब इन्होंने देखा कि गुजरात को हम डेवलप कैसे करेंगे, तो इसके अगल बगल के एरिया को इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम लोग मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड जोन कहते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है, जैसे देखो भैया, हम कोई चीज को बनाएं तो सबसे, जैसे आप हमें फीस देते हैं ना, काउंटर पे जैसे फीस जमा की है, आपका 18% GST गवर्नमेंट लेके चली जाती है। आपके टोटल फीस का मेरे पास पहुंचता ही है केवल 18% काट के, यानी 82%। ये हमारे पास ही पहुंचता है, हमको इसी में जो काम करना है करेंगे। 18% हमारा कौन लेके चला गया, GST लेके, मतलब गवर्नमेंट GST लेके चल गए। अब इसमें हमको 75 को काम है, रेंट है, स्टाफ का है, अपना कोचिंग को चलाने का मेंटेनेंस है, पैनल खरीदो, लाइट बत्ती खरीदो, ये चुरा, ये 3-4 लाख का है TVI। तो इतना इस समय कोई GST लेके चली गई, वो GST लेके चली गई। अब सामान वामान जो GST देता है ना, उसको सामान में GST देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम GST क्या किए हैं, दे चुके हैं, आपके फीस से हमने 18% GST दे दिया। अब हम कहीं पे GST देंगे ना, तो सरकार हमको वापस दे देगी। ए खान साहब, आप तो बढ़िया आदमी है।
और जो जीएसटी नहीं देता है उसे हर जगह जीएसटी भरना होता है। हम आपसे पैसा से कमाते हैं, हमने सरकार को एक बार जीएसटी दे दिया, अब हम कहीं भी जीएसटी देंगे ना तो सरकार ले लेगी, और अगले महीने जब हम दोबारा भरने जाएंगे तो कहेंगे खान साहब आप तो दे दिए थे ना, ये सब रख लीजिए, एसी यूसी खरीदिए उस पर जीएसटी हमको मत दीजिए। तो सरकार भी अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं। तो 82% में हमको देखना है रेंट, स्टाफ, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक बिल, बिजली बिल देखना है, बहुत सारा चीज तामझाम देखना है। मान के चलिए इस सब में करते करते 82% में मेरे पास बच गया कितना परसेंट, 50%। इतना दूर में हमारा मान के चलिए 32% और खर्चा हो गया, इस सब में बचा कितना 50%। इस ससुरा 50% पे अब सरकार हमसे 30% इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है, ITR जान ले लेती है सरकार। ये हाल होता है यहाँ पे टैक्स का, टैक्स। अब टैक्स क्या चीज होता है, बस ऐसे समझो ना, 35 रुपया पेट्रोल को 100 रुपया बिकता है केवल टैक्स के वजह से। आपका फीस जो कहते हैं लोग ना, खान सर के पास बड़ी फीस आता हो, देख लो भैया यहाँ पे, ये तो जीएसटी लेके चल गया। कहा कि भाई जीएसटी से हमको मतलब है नहीं, आप खर्चा कर रहे हैं, स्टाफ है, बिजली बिल है, आप मर्जी है, उससे मतलब नहीं। आपका रसीद कट गया ना, हमारा हो गया जीएसटी 18%, इसमें से 9% मोदी जी ले जाएंगे, 9% नीतीश कुमार, इसमें से अपन अपन बांट लेगा लोग यहाँ पे। अगर और इतना टैक्स देने के बावजूद अगर हमको मतलब कुछ बीमार पड़ जाएंगे, कोई नहीं आएगा काम करने के लिए। हालांकि सरकार व्यवस्था रखती है, बट सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं ना क्या व्यवस्था होता है, खैर अलग बात है। इतना टैक्स लगता है ना कि कोई नया नया स्टार्टअप, नई नई कंपनी या नया नया आदमी टैक्स भरने से पहले पागल हो जाता है। देखते हैं कितना परसेंट टैक्स है, 50% लगभग ठोक देता है, TDS UDS सब कटता है भैया। तो मोदी जी ने कहा कि देखो भैया, जो इस एरिया में आएगा व्यापार करने के लिए, इस एरिया में, सेज वाले एरिया में, टेंशन फ्री हो जाओ तुम, टैक्स के हिसाब से हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन शर्त रख दिया उन्होंने कि जो चीज तुम बनाओगे उसे तुम्हें भारत में नहीं खपाना है, तुम्हें कहां भेजना है, विदेश में। कहां भेजना है, विदेश में। और जो ससुरा खरीदेगा हम ओकरा से टैक्स लेंगे। तो यहां पे क्या बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और हर कंपनी इसी सेज में आने की कोशिश की जिसे विदेश में सामान बेचना था। अब सोचिए ना, कोई दिल्ली में सामान बनाएगी, फिर कांडला पोर्ट पर लाएगी, फिर बेचेगी, उससे अच्छा ससुरा सीधे चलो ना कहां पर, कांडला। यहां बनाने के लिए हमको टेंशन भी नहीं है, बिजली है, सड़क है, बंदरगाह है, सब चीज है, और टैक्सो नहीं है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन उसे बोलते हैं, जहां पर आप अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो आप पर टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन उसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ नियम क्या है, आपको कहां भेजना है, विदेश। इस वजह से यहां के लोगों को बहुत ही रोजगार मिल जाता है, कंपनी फैक्ट्री चलाती है। अब बिहार में नीतीश कुमार से पूछते हैं आप कौन सी दीजिएगा, कहता क्या दीजिएगा, खान सर से पूछ लीजिए ना, 30% ITR, 18% GST, सब भाग जाता है यहाँ से, है कि नहीं। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये सेज का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। कांडला पोर्ट में किसी को दिक्कत, कांडला पोर्ट मजबूरी में बनाया गया था, किस बंदरगाह के अलग हो जाने की वजह से, हाँ, कराची बंदरगाह। नीचे का ये एरिया जो है इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग नीचे वाला सौराष्ट्र, क्या कहते हैं सौराष्ट्र, इसे क्या कहते हैं कच्छ, ये क्या है भैया कच्छ, ये क्या है सौराष्ट्र, कौन सा है सौराष्ट्र, बड़ा कौन सा है सौराष्ट्र, बड़ा कौन सा है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र बड़ा है यहाँ पर। इस सौराष्ट्र में यहाँ देखिए ये जगह कौन सा बता सकते हैं, कांडला, कांडला के नीचे देखिएगा जामनगर, कांडला के पास देखिए जामनगर नहीं मिला, थोड़ा सा नीचे होगा कांडला के, कौन जगह है जामनगर। पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है जामनगर से, पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, निकलता नहीं रिफाइनरी है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जिस तरह से चावल बनता है तो उसमें माढ़ निकलता है ना, वैसे ही पेट्रोलियम निकलता है, उसे रिफाइन करके उसमें से डीजल, पेट्रोल, फ्यूल, मिट्टी तेल इत्यादि को बनाया जाता है। जब एकदम बच जाता है, एकदम कचरा बच जाता है, तो उसमें परफ्यूम मिला दिया जाता है और ब्यूटी पार्लर की दुकान पर भेज दिया जाता है, जिसे बॉडी लोशन कहा जाता है, या ये वैसलीन, वैसलीन सांस प्रोटेक्शन क्रीम, देखते हैं उस सब पे पढ़िएगा लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिखता है निचवा, सब पे पढ़िएगा क्या लिखा रहता है, पेट्रोलियम, वो कचड़ा है। तो क्या दिक्कत है, वो इसलिए लगाया जाता है कि सूरज की गर्मी या जितना चीज है उस कचड़े पे लगेगी, उसके आप पोछ के निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे
देखते हैं ना दुनिया भर का, सोचा एगो ठंडी के दिन का क्रीम अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग, दिन में लगाने वाला अलग, धूप में लगाने वाला अलग, लगा के सोने वाला अलग, 75 गो होता है। ये सारा चीज किससे निकलता है? पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं सर। इस सब का रिफाइनरी ज्यादा कहाँ पर है? गुजरात के किस जगह पे? जामनगर में। गुजरात डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ क्योंकि इसके बंदर का आजादी। ये कोना देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कोना, सबसे कोना देख लिए, द्वारका एकदम कोना पे देखिए, कौन है? द्वारका। मिल गया किसी को? दिक्कत लाइव वाले सब लोग देखिए, द्वारका मिल गया। आगे बढ़े, क्या हो गया? खाड़ी और सागर में बैठ बहु, सब समझा देंगे। तुम लोग आया इसलिए पूछ दिए, आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। ऐसे एक हक लड़का का डाउट बताते चलेंगे तो फिर क्लासे खत्म हो जाएगा। जैसे जो चीज आएगा वो हम बताते चलेंगे, समझ में गया? डॉक्टर को पता है कौन टेबलेट कब खिलाना है। मरीज पूछते रहेगा है कब खाना है, 3 बजे, फिर पूछेगा ये ललका दवाइया, 4 बजे, डॉक्टर पागल हो जाएगा। हम टाइम टाइम आपको डोज दे देंगे। ये जगह कौन है? द्वारका। द्वारकाधीश किसे कहा गया? अरे भाई कृष्ण भगवान थे द्वारकाधीश, द्वारका नरेश सब तो वही थे कृष्ण भगवान। हालांकि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा में, वृंदावन या मथुरा, उत्तर प्रदेश में। बचपन में बहुत शरारती थे, बहुत शरारत किए हैं, माखन चोरी, गोपियों को परेशान करना, बहुत शरारत किए। लेकिन उस वक्त के कृष्ण भगवान की पूजा हम लोग, कृष्ण भगवान का मेन रोल कब आया महाभारत में? मेन रोल वो अलग बात है कि जब कोई व्यक्ति इतना महान हो जाता है तो हम उसके बचपन को भी क्या करते हैं, बड़ा सजो के रखते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान भगवान किस कारण कहलाए? अपने बचपना के कारण, या जो महाभारत में उन्होंने अपने महाभारत, यानी जब वो द्वारकाधीश बन गए, द्वारका नरेश बन गए, उसके बाद वो अपने भगवान वाले रूप में आए थे, मेन रूप में। लेकिन यहाँ पे बचपन में इधर उधर मक्खन चोरी, गोपियों को परेशान करना, लेकिन इस सब में जब सारा चीज छोड़ छाड़ के जब वो कहाँ चले गए? द्वारका। कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। तब जाके क्या बने? महान बने। आप लोग भी सोचिए, सब वो माया छोड़ के जब जाएंगे तभी आप क्या बनेंगे? महान बनेंगे, तभी मोक्ष मिलेगा। और अभी आप लोग जाना ही नहीं चाहते हैं छोड़ छाड़ के, कौन समझाए आप लोग को? यहाँ से चले गए थे तो यहाँ पे सूरदास ने बड़ा दोहा लिखा था, यहाँ पर यहाँ गोपी सब परेशान थी, वो लोग बोलते नखद वेद ग्रही जोड़ कर अधिकर अब सो बनत उसे खाए। एक से एक दोहा लिखा गया है गोपियों पे और कृष्ण भगवान के प्रसंग पर, बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी गई। तो यहाँ कृष्ण भगवान छोड़ के मथुरा कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। तो ये एकदम कोना वाला एरिया है द्वारका, देख रहे हैं कितना कोना है एकदम वहां पर। उसके बाद जब भयानक महाभारत युद्ध हुआ था तो हरियाणा के कहां पर? कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ, यहां पर ये एरिया में। तो ये जगह कौन सा हो गया भैया? द्वारका। किसी को दिक्कत है द्वारका में? एकदम कोना पे कौन जगह है? द्वारका। आई ये जगह बोलिए तो, जाम, यहाँ जामनगर वो है, ये कोनवा कांडला, ये जगह हाँ नीचे उतरिए, पोरबंदर, सोमनाथ और पोरबंदर नीचे उतरिए, कोना कोना पे कौन जगह है? पोरबंदर। कौन जगह है? पोरबंदर। उसके नीचे उतरिए सोमनाथ, समुद्र के किनारे किनारे उतरिएगा, सोमनाथ। मिल गया सोमनाथ, ये जगह कौन है? पोरबंदर। पोरबंदर में किसका जन्म हुआ? महात्मा, महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा। देखिए महात्मा गांधी को चाहने वाले भी बहुत हैं और महात्मा गांधी से नफरत करने वाले भी बहुत है। देखिए एक चीज बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। अब क्या कहें, नाथूराम गोडसे से, जो नाथूराम गोडसे हैं, उनसे लोगों का लगाव से ज्यादा, उनसे लगाव से ज्यादा गांधी से नफरत है। एक्चुअली में नाथूराम गोडसे से लगाव नहीं है, रियलिटी ये है कि मतलब गांधी जी के जैसे मेन गांधी जी थे, भगत सिंह को बचा नहीं पाए, उन्होंने आर्गुमेंट ही नहीं किया। तो इस वजह से कुछ मानसिकता ऐसी हो गई, गांधी से नफरत इतनी हो गई कि उसे जो मारेगा हम उसको बहुत श्रेष्ठ समझ जाएंगे, समझे? बस वही हो गया नाथूराम गोडसे के साथ, गांधी से क्या हो गई थी? नफरत। तो नाथूराम गोडसे को जो फेवर करते हैं उनके बहादुरी के लिए नहीं, नाथूराम महात्मा गांधी से नफरत की वजह से। मतलब नाथूराम गोडसे के समय पे अंग्रेज भी थे सब, और उस समय भी बंदूक थी, जिस बंदूक से महात्मा गांधी को मारे थे उस बंदूक से लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते, क्या जाता है बंदूक का क्या पता कि गांधी जी को मार रहा है कि बेटन को मार रहा है? क्या इसी भारत के ना सपूत थे उधम सिंह, जिन्होंने लंदन घुस के जलियांवाला बाग के हत्यारों को गोली मारा था, इसी धरती के महात्मा वो भी थे नाथूराम गोडसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कौन सही या कौन गलत, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हम और आप यदि उस समय रहते लोग तो
कम से कम कुछ नहीं तो इतिहास में एक तमाचा तो जरूर मारे रहते लोग, सोचा तो जनरल डायर है चाहे कुछ हो, है कि नहीं आप? तो अलग बात है। तो यहाँ पे कौन थे भैया? महात्मा गांधी, इतिहास का एक चैप्टर। उसके इधर कौन सा? सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनबी। सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा? सोमनाथ के मंदिर को लूटा महमूद गजनबी। कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान के गजनी का। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद गजनबी, अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। कहाँ का मंदिर लूट लिया? सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना चांदी यहाँ था, लुटेरे आए, सब क्या होगा, लूट लेगा सब। यहाँ उसके बगल में देखिए दीव लिखा होगा, दीव, दीव लिखा है। कौन जगह है? दीव। मेरी ओर देखो, ये जगह कौन सा? दीव। कौन जगह है? दीव। इसके ठीक सामने, मेरी ओर इधर, ठीक सामने दमन, दमन, दमन। इस साइड में कौन सा? दमन और दीव। मिल गया? दमन और दीव मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन पूछता है कि दमन और दीव को अलग कौन करता है? खंभात की खाड़ी। दमन और दीव को अलग करने वाली खाड़ी खंभात की खाड़ी। दमन और दीव को अलग करने वाली खाड़ी खंभात की खाड़ी। किसी कोई दिक्कत नहीं? खंभात की खाड़ी। दमन द्वीप एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों को अलग कौन करता है? इस दमन के नीचे देखिए आपको मिलेगा दादरा नागर हवेली। दमन के जस्ट नीचे दादरा नागर हवेली, मिल गया? बड़ा लिखा होगा दादरा नागर हवेली, नहीं लिखा है? दादरा नागर हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित थे। एक का नाम था दमन द्वीप, क्या नाम था? दमन द्वीप। और एक का नाम था दादरा नागर हवेली। दोनों का नाम बड़का बड़का, एक का नाम दमन द्वीप, ये एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता था इसे। और एक का नाम था दादरा नागर हवेली, दादरा नागर सिलवासा राजधानी थी। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने कहा का ससुरा हिती हिती छिटाइल है, सब मिला दो एक के में, क्या कर दो एक में मिला दो। तो अभी दमन द्वीप दादरा नागर हवेली एक ही में मर्ज कर दिया गया और एक ही व्यक्ति को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके भेज दिया गया। क्या यह डिसीजन ठीक था या नहीं ठीक था? आप बताइए मित्रों, ठीक था कि नहीं ठीक था? एकदम ठीक था डिसीजन। कुछ कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त लिया कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये लोग पहली बार सत्ता में आए थे। जैसे नरेंद्र मोदी तो एक्सपीरियंस तो था नहीं, मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री, लोकसभा का अनुभव नहीं था, लोकसभा में पहली बार गए सीधे प्रधानमंत्री। तो उसी तरह से डिसीजन ठीक ठाक था, कहीं ती ती 25 जगह फेंका ले से एक को व्यक्ति को होगा पैसा अलॉट होगा। हाँ इधर भी नल बड़ा नल पानी उदी इधर का व्यवस्था रखी, इधर का इधर एक ही आदमी संभालेगा। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही में मर्ज कर दिया गया। तो दमन दीव दादरा नागर हवेली, इसे अलग करने वाली खाड़ी खंभात की। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? खंभात की खाड़ी। अब ये खंभात की खाड़ी वरदान भी था और एक तरह से श्राप भी हो गया। वरदान इसलिए कि इसके किनारे जितने शहर थे उन सारे शहर को समुद्र का बंदरगाह मिल गया। इन सारे शहर को समुद्र का बंदरगाह मिल गया। बंदरगाह मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आप कहेंगे श्राप किस बात का? तो श्राप इस बात का कि इस शहर से इस शहर आने के लिए इतना घूम के आना पड़ेगा। मेरा मोटरसाइकिल है मान के चलिए, यहां से 100 किलोमीटर है, 80-100 किलोमीटर आदमी मोटरसाइकिल से चल जाता है, उसके ऊपर जाने में दिक्कत होने लगता है। अब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 50 किलोमीटर चलने के लिए हमको 250 किलोमीटर चलना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो गया। तो ये श्राप या आशीर्वाद? आशीर्वाद भी है, बंदरगाह मिल गया, लेकिन अगर हम इसके बीच में कोई रास्ता बना दें तब तो इतना बड़ा ब्रिज कौन बनाएगा? कोई बनाएगा नहीं। तब मोदी जी ने दिमाग लगाया था, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ भी एक बंदरगाह बना देते हैं, यहाँ भी एक बंदरगाह, और एक जहाज बनवाया पानी वाली जहाज। वो जहाज में सीट उठ नहीं था, मतलब कम सीट था ऊपर बैठने के लिए, और अंदर पूरा ऐसे ही क्लासरूम की तरह खाली। उसके अंदर 150 ट्रक घुस जाती है, मोटरसाइकिल कार गाड़ी सब घुस जाती है, गोदाम एक तरह से चलता फिरता। तो जिसको यहां से यहां जाना है ना, यहां आता है बंदरगाह पे, ट्रक सहित घुसा देता है उसमें, जहाज में ट्रक लोड हो गया है, 20 गो ट्रक चाहिए, थोड़ा ट्रक जाएगा, चल 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 चल, बस वाला सवारी सहित घुस जाता है उसमें, घुस गया और यहां से उठा के ये पट्टी उतार दिया, यहां पर उतर गया, चलता फिरता ब्रिज हो गया। इसको कहते हैं यहां से चढ़ाया, इसलिए